क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आपने अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और पदार्थों को देखा होगा, जिनमें से कुछ को आप शुद्ध पदार्थ कहते हैं और कुछ को आप अशुद्ध कहते हैं। किसी आम व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन किसी वैज्ञानिक के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि वह पदार्थ जिसमें उसके सभी कणों में रासायनिक प्रकृति समान हो। किसी आम व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का मतलब है उसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे दूध है, दूध में पानी ना मिलाओ तो वो शुद्ध दूध होता है। जैसे घी है, घी में अगर वनस्पति घी ना मिला हुआ हो, जैसे जो गाय या भैंस में घी प्राप्त होता है उस घी में अगर वनस्पति घी ना मिला हुआ हो तो हम उसको कहते हैं शुद्ध घी। लेकिन साइंस में शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें उसके सभी कणों के रासायनिक प्रकृति समान हो, वो शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ की क्या डेफिनेशन होगी, हम परिभाषा की बात कर रहे हैं। वह पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो कि एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, जल, ये सब शुद्ध पदार्थ के उदाहरण। शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। कोई यौगिक हो या तत्व, दोनों ही शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। तत्व जैसे तत्वों में जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? ये शुद्ध पदार्थ के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है? तत्व है। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक जो तत्वों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, तत्व जो है ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर सभी जितने भी इसके अंदर परमाणु होंगे वो सभी ऑक्सीजन के होंगे और सभी एक ही प्रकार के गुणधर्म रखेंगे। इसी प्रकार जो यौगिक होता है, यौगिक को हम शुद्ध पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो अनुपात है वो निश्चित होता है। यौगिक का अनुपात निश्चित होता है, इसलिए इसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ का अनुपात निश्चित नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ के क्या गुणधर्म होते हैं, शुद्ध पदार्थ के गुणधर्म क्या है। शुद्ध पदार्थ की गुणधर्म, कि शुद्ध पदार्थ के क्या गुणधर्म होते हैं। पहला है कि शुद्ध पदार्थ के कणों की निश्चित रचना होती है। शुद्ध पदार्थ के कणों की निश्चित रचना होती है।
जैसे एक उदाहरण की अगर बात करते हैं हम, जैसे जल है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है, दो तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो यह जो अनुपात है ये हमेशा ही निश्चित रहेगा। तो इसलिए शुद्ध पदार्थ के कणों की निश्चित रचना होती है, उसमें निश्चित अनुपात होता है कणों का, ठीक है। दूसरा है शुद्ध पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। गलनांक और क्वथनांक से हमारा तात्पर्य है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, गलनांक अर्थ होता है वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ गलने लगे उसे उसका हम गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0°C, ठीक है। इसी प्रकार क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई चीज उबलने लगे, जैसे जल का क्वथनांक 100°C। तो जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निश्चित होते हैं। तीसरा, जो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ के कणों को किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ के कणों को शुद्ध पदार्थ के कणों को हम भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। कोई भी पदार्थ है, उन पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला दें और किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं, मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण की क्या परिभाषा है, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से बनता है। इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख रहा हूं, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। या मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। ये दोनों ही मिश्रण की डेफिनेशन है, इसी को भी हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्रण के गुणधर्म। मिश्रण के क्या गुणधर्म है, तो पहला जो मिश्रण है, मिश्रण की जो रचना है वो समान नहीं होती है। इसके जो कण है उसमें उसकी रचना समान नहीं होती है, उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के कणों की रचना समान नहीं होती है,
या दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि मिश्रण के कणों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, मिश्रण के कणों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। दूसरा, मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मिश्रण है, मिश्रण में किसी भी पदार्थ का अनुपात निश्चित नहीं है, किसी भी पदार्थ को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया गया, इसलिए उसका जो क्वथनांक और गलनांक है वो भी निश्चित नहीं हो सकता है। मिश्रण का गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होता। परंतु मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा उसके घटकों से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा उसके घटकों में पृथक किया जा सकता है, पृथक या फिर अलग किया जा सकता है। जो मिश्रण है, मिश्रण को उसके घटकों में भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण के उदाहरण की अगर हम बात करें, मिश्रण के उदाहरण जैसे दूध है, जूस है, घी है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मिश्रण के उदाहरण है। इसके अलावा जैसे कि परफ्यूम है, टूथपेस्ट है, डेटॉल है, और आपकी मिट्टी है, और लकड़ी है, ये सब क्या है, पेंट है, ये सब किसके उदाहरण है, सभी ये मिश्रण के उदाहरण है, सभी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। सभी विलयन समांगी मिश्रण है, जितने भी विलयन है वो सभी क्या है, मिश्रण है। सभी विलयन मिश्रण है, जितने भी विलयन है सभी क्या है, सभी मिश्रण है। क्योंकि विलयन में हम निश्चित मात्रा में नहीं किसी भी पदार्थ को ऐड करते हैं, इसलिए जितने भी विलयन है वो सभी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम बात करें कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, तो मिश्रण के दो प्रकार हैं। मिश्रण के दो प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। पहले हम समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं उनकी संरचना समान होती है, समांगी मिश्रण। पहला, समांगी मिश्रण के कणों की संरचना समान होती है। कणों की संरचना समान होती है। दूसरा, समांगी मिश्रण के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता है, उसके कण बहुत ही छोटे होते हैं।
समांगी मिश्रण के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। जो समांगी मिश्रण होता है उसके कण इतने छोटे होते हैं कि उसके कणों को किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देख पाना संभव नहीं होता है। बहुत छोटे कण होते हैं, उसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते। तीसरा है समांगी मिश्रण एक ही अवस्था के कणों से बना होता है। जैसे अगर समांगी मिश्रण ठोस के कणों से मिलकर बना है तो उसमें जितने भी कण हैं वो सब ठोस अवस्था में होंगे। अगर द्रव से बना हुआ है तो सभी कण द्रव अवस्था में होंगे। अगर गैस से बना है तो सभी कण गैसीय अवस्था में होंगे। अगर समांगी मिश्रण जैसे धातु का समांगी मिश्रण तो जो धातु का समांगी मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं मिश्रातु। उदाहरण के लिए जैसे कि स्टील है, कांसा है, दूसरा अगर हम द्रव की बात करें, द्रव का समांगी मिश्रण जैसे सिकंजी जब हम बनाते हैं, जैसे नींबू है, चीनी है, जल है, इनको जब हम मिलाते हैं तो उसमें सब द्रव अवस्था में ही हो जाते हैं। तीसरा अगर वायु का समांगी मिश्रण करें तो वायु में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सभी जितने भी कण है ये सब गैसीय अवस्था में होंगे। तो समांगी मिश्रण जो होता है एक ही अवस्था के कणों से बना होता है। अगर वो ठोस के कणों से मिलकर बना हुआ है तो उसे ठोस के सभी कण होंगे उसमें। अगर द्रव से मिलकर बना हुआ है तो उसमें सभी कण द्रव के होंगे, और यदि गैस का बना हुआ है तो सभी कण उसमें गैसीय अवस्था के होंगे। विसमांगी मिश्रण दूसरा है तो विसमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें कणों की संरचना एक समान ना हो, जिसमें जो विलयन है वो संपूर्ण विलयन एक जैसा ना दिखे। उदाहरण के लिए जैसे कि जल में रेत, जब हम जल में रेत मिला देते हैं तो वो एक जैसा नहीं दिखता है। ये क्या है? विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जो एक समान दिखे, जैसे जल में नींबू मिला देना, तो जब हम जल में नींबू मिलाते हैं वो एक समान दिखता है, वो समांगी मिश्रण है। जल में रेत मिला दिया, पानी में तेल मिला दिया, ये विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो विसमांगी मिश्रण क्या होता है? विसमांगी मिश्रण के कणों की संरचना समान नहीं होती है। मिश्रण के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसे हम आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे पानी और रेत है, तो पानी में जब हम रेत मिला दें तो वो हमें आसानी से ऐसे दिखता है पानी और रेत। तो विसमांगी मिश्रण सही से घुलता नहीं है, और समांगी मिश्रण जो होता है वो स्थायी विलयन होता है, और विसमांगी मिश्रण जो है अस्थायी होता है। इसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो इसके जो कण है ये नीचे तली में बैठ जाते हैं, जबकि समांगी मिश्रण के जो कण होते हैं वो नीचे तली में नहीं बैठते हैं। तीसरा,
समांगी मिश्रण एक से अधिक अवस्था के कण होते हैं। विषमांगी मिश्रण में एक से अधिक अवस्था के अवस्था में हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जल और रेत, जो रेत है इसकी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, जल द्रव अवस्था में, दोनों जो मिश्रण बना रहे हैं वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे तेल और जल, ये भी विषमांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों के कणों को आसानी से हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण है। सभी अघुलनशील द्रव विषमांगी मिश्रण है। जितने भी द्रव हैं जो कि नहीं घुलते हैं जल में, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण है। कोई भी पदार्थ है अगर वो जल में नहीं घुलता है वो विषमांगी मिश्रण बनाता है। और जितने भी घुलनशील पदार्थ होते हैं, जितने भी घुलनशील द्रव हैं, वो सब क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। जैसे कि जितने भी विलयन है और जितने भी मिश्रातु है, मिश्रातु और विलयन समांगी मिश्रण बनाते हैं, जबकि निलंबन, कोलाइड और अघुलनशील द्रव क्या बनाते हैं, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। सभी घुलनशील द्रव समांगी मिश्रण बनाते हैं। सभी अघुलनशील द्रव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। सभी विलयन व मिश्रातु समांगी मिश्रण है। सभी कोलाइडर निलंबन व अघुलनशील द्रव विषमांगी मिश्रण है। ये पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको समांगी और विषमांगी में आसानी से अंतर पता लग जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम समांगी और विषमांगी में डिफरेंस को पढ़ेंगे और आगे चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।